रेखा के साथ अगर यूं बहके न होते अक्षय कुमार, तो बना रहता रवीना टंडन का साथ। अक्षय कुमार का खुद अपने बारे में कहना है कि वो पैदाइशी रोमांटिक है। जाहिर है रोमांस की इस आंधी में उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। 1996 में जब अक्षय को फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लिए साइन किया गया तो उन दिनों वो रवीना टंडन के साथ रिलेशन में थे। लेकिन शूटिंग के दौरान अक्षय और रेखा के इश्क ने इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी कि रवीना उनकी जिंदगी से ही बाहर हो गई। दरअसल इस फिल्म में अक्षय और रेखा के बीच फिल्माए गए एक स्टीमी सीन से रवीना बेहद नाराज हो गई। इस गाने में अक्षय कुमार और रेखा की निजी केमिस्ट्री साफ साफ नजर आ रही थे। शूटिंग के दौरान अक्षय और रेखा की हरकतों से पूरी यूनिट शर्म से पानी पानी हो गई। इस फिल्म का गाना था इन द नाइट नो कंट्रोल, जिसे रशिया में फिल्माया गया था। गाने को इफेक्टिव बनाने के लिए रात का शूट रखा गया था। फिल्म के दौरान ही अक्षय और रेखा की बढ़ती नजदीकियों की खबरें जोरों पर थी। इस गाने में अक्षय और रेखा ने पूरे सिचुएशन को रियल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि दोनों बिना ब्रेक के आगे बढ़ रहे हैं। नजारा सेमी पोर्न फिल्म की शूटिंग जैसा ही था। कोरियोग्राफर रेखा प्रकाश को कई बार कट कट की आवाज लगानी पड़ती। जैसे ही गाने की शूटिंग खत्म हुई, सबने राहत की सांस ली। जब इस गाने के रशेज रवीना टंडन ने देखे तो अक्षय और रेखा की बहकी बहकी केमिस्ट्री से उनका सर ही घूम गया। कहा जाता है कि इसके बाद रवीना ने सरेआम रेखा से सेट पर गाली गलौज भी की थी। इस फिल्म के बाद रवीना और अक्षय के रिश्ते तो खत्म हुए ही, दोबारा रेखा ने भी फिर कभी अक्षय के साथ काम नहीं किया। यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि इस रोल के लिए पहले डिंपल कपाड़िया को साइन किया गया था, लेकिन जब उन्हें इस गाने के बारे में पता चला तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। वरना अक्षय कुमार रियल सास के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने वाले बॉलीवुड के पहले एक्टर होते हैं।